हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस तरीके से हम लोग एक्शन थ्रू माउस क्लिक यूज़ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे टोटल 8 नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल 7 स्लाइड में हूँ और यहाँ पर मैं एक माउस एक्शन क्लिक इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करने के लिए क्लिक करेंगे इंसर्ट में, और इस इलस्ट्रेशंस ग्रुप में आपने क्लिक करना है शेप्स में। यहाँ पे सबसे नीचे अगर आप स्क्रॉल करें तो आपको दिखे यहाँ पे एक्शन बटन्स। अब इस एक्शन बटन्स का काम क्या होता है, आपने इन एक्शन बटन को यहाँ पे ड्रॉ करना है, उस बटन में कुछ कमांड असाइन करना है, और जब भी आप उस बटन पे क्लिक करेंगे प्रेजेंटेशन के टाइम, तो आपका ये वो कमांड जो किया हुआ है असाइंड, वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, वो एक्शन परफॉर्म करेगा। इसे करने के लिए मैं ये क्लिक कर रहा हूँ, गो फॉरवर्ड और नेक्स्ट, यानी कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में स्विच कर सकता हूँ। तो मैं क्लिक करूँगा इसे और यहाँ पे मैं कॉर्नर में ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के तुरंत बाद दोस्तों, आपके पास ये बॉक्स अपीयर हो जाएगा, यहाँ पे कि आप माउस क्लिक सेलेक्टेड है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप चाहे तो हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर का किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। रन अ प्रोग्राम में जाकर ब्राउज करेंगे अपने प्रोग्राम के शॉर्टकट को, आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। आप चाहे तो नोटपैड ओपन कर सकते हैं, गूगल क्रोम ओपन कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने किसी पीपीटी को या किसी और पीडीएफ फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा हाइपर लिंक टू प्रीवियस नो नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ये बाई डिफॉल्ट नेक्स्ट स्लाइड किया हुआ है क्योंकि हमने नेक्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट किया था। तो मैं यहाँ पे करूँगा नेक्स्ट स्लाइड और क्लिक करूँगा ओके। दोस्तों, यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आता है प्ले साउंड। तो अगर जब भी आप इस बटन में क्लिक करेंगे तो ये अपने एक्शन के साथ साथ साउंड भी शो करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे से एरो, तो मैं एरो में क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा ओके में। ओके में क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका ये एक्शन बटन सेव हो जाएगा। अब आप चाहे तो इस एक्शन बटन के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट टैब ओपन होता है। इस फॉर्मेट टैब में आप यहाँ पे वर्ड आर्ट के थ्रू यहाँ पे टेक्स्ट में चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे शेप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इस एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप शेप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप चाहे तो दोस्तों शेप इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, शेप आउटलाइन और यहाँ पे शेप फिल। ये सब करने के बाद दोस्तों, हम लोग चलिए स्लाइड शो में जाते हैं। अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ इस तरीके से, तो ये नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जा रहा है। ठीक है, मैं एग्जिट करता हूँ। देखा आपने किस तरीके से हम लोग माउस क्लिक एक्शन बटन को यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इफ यू रियली लाइक द कंटेंट देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड क्लिक सब्सक्राइब टू सी मोर वीडियोज लाइक दिस। एंड यू कैन विजिट महागुरुज.com टू सी लॉट्स ऑफ अदर सॉफ्टवेयर कोर्सेज। थैंक यू।